महामंगलमय सुनिधन राज में हम सबका समागम हुआ। ये नवल किशोरी लाडली सिप्रिया जी की बड़ी कृपा है। उनकी कृपा बिना इस धाम में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। वे जिन पर कृपा करती हैं वही इसमें आता है। मधुकर भैया, ये स्वामी हरदास जी महाराज जी की केलीमाल का गायन कर रहे हैं, यह भी किशोर जी की बड़ी कृपा है। उन्हें कृपा के बिना ये सब होना दुर्लभ है। ये निधिवन राज प्रियालाल श्री कुंज बिहारी बिहान का एकांतिक स्थान है। निधुवन, निधु का अर्थ है जो नव दूल्हा दुल्हन नायक नायिका होते हैं उनका एकांतिक बिहार स्थल जो सजा हुआ, वो निधिवन प्रियालाल की भी सेवा करता है, उनका भी अपने दिव्य केरी रस से पोषण करता है। ये रसमय धाम है। रस का अर्थ है, वेदों में आता है, रसो वैसह, वह परब्रह्म रस रूप है। वह रस दो रूप में विभक्त प्रकट हुआ। एक रस का दो अर्थ होते हैं, एक रस लेने वाला, एक रस देने वाला। रसयति रसतीति, जो आस्वादन करने वाला और आस्वाद रूप। तो वही रस प्रियालाल रूप में है, वही सखी रूप में है, वही वृंदावन धाम रूप में है। रस का अर्थ है सुख, सुख का सार आनंद, आनंद का सार आह्लाद, आह्लाद का सार रस। तो रस भी आनंद ही है। वह रस रूप प्रियालाल हैं और सखियां हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस रसमय वाणी का हमें गायन करते हैं। जय श्री वृंदावन नंद निकुंज में संत सहज बिराजे जोरी। ये वृंदावन, ये निधुवन, ये नित्य नित्य धाम है। महाप्रलय में भी इसका प्रलय होता नहीं है, ये अपने दिव्य रूप प्रकट हो जाता है। ये अविचल धाम है। ये बड़ा सौभाग्य हुआ निधुवन में स्वामी जी महाराज के निकट और यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान हैं। जितने रसिकाचार्य भी उनको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं यहाँ पर आचार्य चरण। अभी कुछ संत ऐसे हुए जिनको स्वामी जी साक्षात मिले, उनको दर्शन दिया, कृपा करी उन पर। आचार्य चरण भानदेव जी महाराज जी मिले, आचार्य चरण मिले, कृपा करी उन पर। अपने भक्त माली जी महाराज हुए, जगन्नाथ दास जी पंडित महाराज, उनको साक्षात स्वामी जी मिले यहाँ पर, कृपा करी। तो अब भी स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, उनके निकट बैठकर हम गाते हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, ये परम साधन है। मधुकर भैया का बड़ा सौभाग्य है कि जो उनके मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि केली माला का निधवन में गान हो, ये तो प्रिया प्रथम को स्वामी जी को रिझाना ही हुआ। जय जय श्री हरिदास।